हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 राइवल्स ऑफ आइगर अकबाने के बारे में, यानी कि आज हम लोग आइगर के राइवल्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैंने एक हफ्ते पहले वॉल्ट के राइवल्स के ऊपर वीडियो बनाई थी। एंड जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो आइगर है वो बेबलडोस टर्बो का मेन कैरेक्टर है एंड उसके भी बहुत सारे राइवल्स बने हैं सीरीज में। सो आज के वीडियो में हम उसके राइवल्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड देखते हैं कि आइगर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल कौन है। एंड यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। नंबर 5 रंजीरो कियामा। सो गाइस जैसे कि सबको पता होगा कि जो रंजीरो है वो रंतारो का छोटा भाई है एंड जो रंजीरो है वो आइगर को उसके जर्नी के स्टार्टिंग से ही जानता है। एंड यार जब आइगर और ये पहली बार मिले थे तो इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा बैटल्स की थी, बट यार अब जो रंजीरो है वो आइगर से काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। अगर ये अब आइगर से लड़ेगा तो आइगर इसको बहुत ज़्यादा आसानी से हरा देगा, बट यार एक टाइम पे ये आइगर के लेवल का था, बट अब यार ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। सो हाँ यार जो रंजीरो कियामा है वो आइगर का एक राइवल है। नंबर 4 फुबुकी सुमिए। सो गाइस जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो फुबुकी है वो आइगर को अपना बहुत बड़ा राइवल समझता था एंड आइगर भी फुबुकी को अपना बहुत बड़ा राइवल समझता था। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो आइगर है वो फुबुकी से जब पहली बार मिला था तो जो फुबुकी है वो आइगर को काफ़ी ज़्यादा लाइक अपना एटीट्यूड दिखा रहा था, बिकॉज आपको पता होगा कि वो शू का स्टूडेंट है तो यार एटीट्यूड तो उसमें होगा ही। सो दैट्स वाई यार जो फुबुकी है वो आइगर को हल्के में ले रहा था, बट यार जब आइगर ने उसको हरा दिया तो उसका ईगो चकनाचूर हो गया। एंड जब जो मतलब जो फुबुकी है जब वो सुओ से हारा था तो उसके बाद आपको पता होगा कि यार वो सुओ के पास चला गया था ट्रेनिंग करने एंड वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन के लौटा था। सो हाँ यार जो फुबुकी है वो भी आइगर का एक राइवल है। नंबर 3 फ्री डेला होया। सो गाइस जैसे कि आप सबको पता होगा कि जब आइगर फ्री से पहली बार मिला था तो यार वो फ्री को काफ़ी ज़्यादा ही हल्के में ले रहा था एंड उसके पास उसकी डार्क पावर पहले पहले आई थी उस समय। सो वो सोच रहा था कि यार वो फ्री को बहुत ज़्यादा आसानी से हरा देगा, बट उसको क्या पता यार कि फ्री एक समय में वर्ल्ड चैम्पियन था एंड फ्री को उसने हल्के में ले लिया एंड फ्री ने उसके डार्क पावर तक को हरा दिया। सो गाइस आपको पता होगा कि फ्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एंड वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है एंड वो आइगर का एक काफ़ी बड़ा राइवल है, बट जो फ्री है वो आइगर को अपना राइवल समझता ही नहीं है यार, वो तो उसको एक बस एक बच्चा समझता है एंड जो आइगर है वो फ्री को बहुत बड़ा राइवल समझता है। एंड शायद अब अगर जो आइगर है वो फ्री से लड़ेगा तो मे बी उन दोनों के बीच ड्रॉ होगी या शायद वो उसको हरा दे, आई डोंट नो। बट हाँ उस समय जब फ्री आइगर से पहली बार मिला था उस समय आइगर डिडंट हैड एनी चांस अगेंस्ट हिम। सो हाँ यार जो फ्री है वो आइगर का काफ़ी बड़ा राइवल है। नंबर 2 शू कुरेना है। सो गाइस जब आइगर शू से पहली बार मिला था तो यार वो शू को लाइक बहुत ज़्यादा वीक समझ रहा था। अगर आपने एपिसोड देखा है तो आप सबको पता होगा कि जब आइगर शू से मिला था तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा ही वीक समझ रहा था, बट आइगर को क्या पता था कि यार जो शू है वो एक समय में रेड आया था। सो हाँ यार जो शू है वो आइगर का काफ़ी बड़ा राइवल है एंड आपको पता होगा कि यार शू ने ही आइगर को उसका टर्बो अकिलीज बनाने में बहुत ज़्यादा मदद किया था, या इनफैक्ट उसने ही बनाया उसका अकिलीज ऐसा हम कह सकते हैं। सो हाँ यार जो शू है वो आइगर का काफी बड़ा राइवल है। एंड फाइनली नंबर 1 वॉल्ट आओई। सो गाइस जैसे कि आप सबको पता होगा कि यार जो वॉल्ट है वो आइगर का एक मेंटर था एंड यार जब आइगर ने अपने बेबलेट की जर्नी स्टार्ट की थी तो यार वो वॉल्ट को एक बहुत बड़ा राइवल समझता था एंड वो वॉल्ट के ऊपर हर समय जाने की कोशिश करता था एंड टर्बो के लास्ट में तो वैसे वो वॉल्ट के ऊपर तब भी नहीं गया, तब भी वो वॉल्ट के सामने एक नूबी था, बस प्लॉट आर्मर के वजह से वो जीत गया। सो हाँ यार जो आइगर है वो वॉल्ट को एक काफ़ी बड़ा राइवल समझता है, बट जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि जो वॉल्ट है वो आइगर को उतना बड़ा राइवल नहीं समझता। सो हाँ यार जो वॉल्ट है वो आइगर का सबसे बड़ा राइवल है। सो दैट्स इट यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।